हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राफ्ट ऑफ फिशेस, फिशरीज जो क्राफ्ट हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने हमारे जो फिशिंग क्राफ्ट है हमने आउटरिगर कैनोए से पहले के कर लिए हैं, जिसको हमने प्लैंक बिल्ट कैनोए के नाम से जाना था। जो प्लैंक बिल्ट कैनोए थी वो एक वाई टाइप की कैनोए थी। इसके बाद आती है हमारी आउटरिगर कैनोए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी। आउट ट्रिगर कैनोए, जो आउट ट्रिगर कैनोए है ये कैसी कैनोए होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो इस टाइप की बोट होती हैं इनके अंदर हमें एक आउटसाइड ट्रिगर या आउटसाइड कैनोए देखने को मिलती है। आउटसाइड कैनोए इसके अंदर प्रेजेंट होती है, फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरी थिंग्स की अगर हम इसके अंदर बात करें, ये मोस्टली वाइड टाइप की बोट होती हैं, ये वाइड टाइप बोट्स होती हैं। थ्री थिंग्स, जो तीसरी बात है इसके बारे में, इसका जो मेजरमेंट है नॉर्मली इस टाइप की बोट्स का वो 15x3 मीटर होगा, ठीक है, 15x3 मीटर तक का होगा। ये जहां पे मिलती हैं वो एरिया है केरला एंड कोंकण, ठीक है, केरला एंड कोंकण। ऐसी टाइप की बोट्स को यहां पे नाम दिया जाता है रामपानी बोट्स। ऐसी टाइप की बोट्स को बोला जाता है यहां पे रामपानी बोट्स। और इन बोट्स के अंदर एक खास तरीके का नेट यूज किया जाता है फिशिंग को कैच करने के लिए, जिसका नाम भी रामपानी नेट्स है। रामपानी नेट्स इनका यूज किया जाता है, रामपानी नेट्स का। इसके बाद आगे की जो बोट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके आगे की जो बोट्स हैं उनका नाम है बिल्ट अप बोट्स। बिल्ट अप बोट्स, जो बिल्ट अप टाइप की बोट्स होती हैं इनके अंदर एक खास चीज ये देखने को मिलती है कि ये पूरी की पूरी जो बोट हैं ये हमारी वुड से बनी होती हैं। दीज बोट्स आर मेड अप ऑफ वुड्स फिटेड टूगेदर बाय नेल्स, मतलब कील ठोक ठोक के वुड से पूरा का पूरा बनाए होते हैं। और इन बोट्स के अंदर एक खास चीज ये भी देखने को मिलती है कि इन बोट के अंदर दीज आर ओल्ड। ओल्ड का मतलब है और, मतलब इसके अंदर चप्पू के जैसा कुछ सामान लगा होता है जो बोट को चलाने के लिए यूज होता है, ठीक है, मूवेबल फॉर बोट। और दीज आर ओल्ड और सेल्ड, या जो कपड़ा होता है जो मूव करने के लिए, बोट्स के मूव करवाने के लिए इजी हो, इस टाइप का इसके अंदर कुछ ना कुछ लगा होता है। और ये कुछ तीन टाइप की होती हैं, दीज बोट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है, ये बोट्स तीन टाइप की मिलती हैं। फर्स्ट में आ जाती है हमारी, इसके अंदर ये हमारी थ्री टाइप की बोट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट आती है मछवा, ठीक है, दूसरी आती है रत्नागिरी एंड थर्ड टाइप की बोट आती है सतपति। जो मछवा टाइप की बोट होती हैं ये थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और लो गनवेल होता है, लो गनवेल एंड कील्ड होती हैं, इनके अंदर कील होता है, कील बोट, ठीक है, लो गनवेल, लॉन्ग और कील बोट,
इनका गल गनवेल होता है, नीचा होता है थोड़ा। गनवेल क्या होता है, गनवेल बता देता हूँ, जो बोट के चारों तरफ की हाइट होती है ना उसको गनवेल बोलते हैं, और इसके अंदर जो गनवेल की हाइट है वो थोड़ी सी लो मिलती है। आगे से ये पॉइंटेड होती हैं, पॉइंटेड स्ट्रेट, एंड इनको एज अ मदरशिप भी बोला जा सकता है, एज अ मदरशिप की तरह ही होती है ये, ठीक है, मदरशिप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मदरशिप की तरह होती है। रत्नागिरी कैसी होती है, बो पॉइंटेड स्ट्रेट, स्ट्रेट मोर पॉइंटेड फ्रॉम बो, पॉइंटेड कील, ऑल्सो हैव लो गनवेल, ऑल्सो हैव लो गनवेल, इनके पास भी इनका जो गनवेल होता है वो लो होता है। जो सतपति टाइप की हैं इनको, दीज आर, दीज बोट्स आर तूतीकोरिन टाइप बोट्स, लार्ज साइज होता है, एंड इसके अलावा इनका जो गनवेल होता है हाई गनवेल, हाई गनवेल, बोर्ड पॉइंटेड, ठीक है, और वाइड बोट होती हैं, इनके अंदर बहुत सारा सामान भी रखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मछवा, रत्नागिरी और सतपति बोट्स के अंदर, और तीनों की तीनों किसके टाइप रहेंगे, बिल्ड अप बोट के टाइप रहेंगे, ठीक है, तीनों ही बिल्ड अप बोट। बिल्ड अप बोट्स आपसे पूछा जाए तो तीन टाइप ही होती हैं, मछवा, रत्नागिरी एंड सतपति बोट्स, ठीक है। जो मछवा बोट है लॉन्ग है, लो गनवेल है, और इसी तरीके से रत्नागिरी है, कील है और लो गनवेल है। जो मछवा बोट है उसको मदरशिप के जैसे ही यूज किया जाता है, और जो सतपति वाली है इसको तूतीकोरिन टाइप बोट बोला जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी शू ढोनी। शू ढोनी टाइप की जो बोट है इसका जो शेप आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप की बोट का जो शेप होगा, दीज आर, दीज बोट्स आर शू शेप्ड, एकदम जूते के आकार की होती है। दीज आर, दीज बोट्स आर यूज्ड इन गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर, ये बोट गोदावरी रिवर के अंदर यूज होंगी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ये टोटल वुड से बनी हुई होती है, दीज आर मेड अप ऑफ वुड, मेड अप ऑफ वुड एंड टीक। वुड कैसे फिट होती है, वुड आर फिटेड टूगेदर विद नेल, कील से ठोकी हुई होती है वुड, ठीक है। दीज ऑल्सो आर नैरो एंड वाइड, नैरो एंड वाइड कैसे, मीन आगे से पूरा कवर्ड होती है, आगे से पूरा कवर्ड होती है, और जूते की तरह जो बैठने के लिए स्थान होता है ना, जूते के जितना जैसे पैर डालने के लिए जो जगह होती है उसी तरीके से बिल्कुल सेम वैसे ही बनी होती है, ठीक है। सिटिंग एरिया सम, दीज हैव सम कवर्ड टाइप एरिया, आगे से जैसे कवर्ड होती है, शिप शेप्ड होती है, शिप के जैसे आगे से थोड़ी सी कवर्ड, ठीक है, इतना क्लियर। अब जो नेक्स्ट टाइप की बोट है अगर हम उसकी बात करें, नेक्स्ट टाइप जैसे कोरेकल, कोरेकल टाइप की जो बोट है वो कैसी होती है, कोरेकल टाइप की बोट की अगर हम डिस्कसिंग देखें यहां पे, तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे दीज बोट्स आर राउंड बोट्स, सर्कुलर या राउंड, गोल गोल होती हैं, बिल्कुल टोकरी के जैसे, बास्केट, ठीक है, टोकरी के जैसे होती हैं। सेकंड पॉइंट, दीज बोट्स
मेड अप ऑफ बैंबू, बैंबू ट्रीज, ठीक है, और इसकी एजेस पे दीज हैव अ लेदर वर्क ऑन इट्स साइड, इसकी साइड के ऊपर कुछ लेदर वर्क किया हुआ होता है। दीज यूज इन रिवर पॉन्ड्स एंड, रिवर पॉन्ड्स के अलावा ये स्टैग्नेंट जो वाटर होता है, स्मॉल टाइप का जो पॉन्ड्स है, ठीक है, या स्मॉल वाटर रिसोर्सेस, ये जो कोरेकल टाइप की बोट है इनका नॉर्मली यूज किया जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए, सब्सिस्टेंस फिशिंग के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली एक घर के लिए कुछ फिशेस को कैच करना है तो एक ही व्यक्ति उसके अंदर बैठ सकता है, सिर्फ इतनी ही जगह होती है, ठीक है। आप देखोगे कि ये टोकरी के शेप की बोट होती है, इसके नीचे या तो ट्यूब टाइप फिट कर दी जाती है, आजकल जुगाड़ बोलते हैं ना जिसको, ट्यूब टाइप कुछ फिट कर दिया जाता है, चारों तरफ इसके लेदर लगा होता है और ये डूबती नहीं है, बैम्बू से बनी हुई होती है, उसी के अंदर जो व्यक्ति है वो बैठेगा और उसी के अंदर फिशेस को, जो कैच्ड फिश है उसको रख दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा ये हैवी मास को टॉलरेट नहीं कर सकती। इसके बाद जो बोट है उसका नाम आता है काकीनाडा नावा। काकीनाडा नावा टाइप की जो बोट रहेगी ये लॉन्ग बोट रहती है, लॉन्ग बोट मेड अप ऑफ टीक वुड, ठीक है, सेल दिस टीक वुड एंड रिब्स, इसके कुछ रिब्स होते हैं, रिब्स आर फिटेड टुगेदर, और इन बोट का यूज़ किया जाता है, नॉर्मली फ्लैट टाइप होती हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि शू ढोनी थी ना, ये शू ढोनी भी फ्लैट टाइप बोट होती हैं, इनको हम फ्लैट टाइप बोट बोल सकते हैं, और इनका यूज़ किया जाता है नॉर्मली रिवर्स और फ्रेश वाटर रिसोर्सेस के अंदर फिशिंग को कैच करने के लिए। तो ये भी ज़्यादा बड़ी टाइप की नहीं होती, थोड़ी सी लॉन्ग टाइप की बोट होती है और फिश कैचिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्राफ्ट है। तो ये थे हमारे फिशिंग क्राफ्ट पूरे के पूरे, आज हमारे जो एंड तक काकीनाडा नावा तक जो फिशिंग क्राफ्ट हमें दिए हुए हैं बीएससी के अंदर, ये हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे फिशिंग गियर्स, जो फिशिंग को कैच करने के लिए नॉर्मली यूज होता है। ये तो था हमारा प्लेटफॉर्म फिशिंग को कैच करने के बाद, हम जिसके ऊपर फिशिंग को कलेक्ट करते हैं, बट अब हम उनका डिस्कस करेंगे जो फिशिंग के गियर्स है जिनके थ्रू हम फिश को कैच कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए सीनियर साइंस।